कि सूर्य, मैं आज बात बताता हूँ कि सूर्य जो है ज्योतिष में सबसे पहले पिता का कारक ग्रह है, और साथ में आपके आत्मविश्वास का भी कारक ग्रह है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आगे कभी वीडियो बनाएंगे तो उसमें समझाएंगे। तो मेन आप समझिए कि सूर्य जो है, अगर आपकी कुंडली में बहुत अच्छा है तो आपका पिता से संबंध, पिता का जो व्यवसाय है, पिता से जुड़ा हुआ जो भी चीज़ है, और आपका व्यक्तिगत आत्मविश्वास बहुत ज़रूरी है। तो जो भी लोग अपने जीवन में इन दोनों की कमी महसूस कर रहे हैं या हड्डियों से संबंधित अगर कोई प्रॉब्लम उनको समझ में आ रही है और उनके पास कुंडली नहीं आई हो, किसी ज्योतिष पाठक नहीं मिले, तो और भी चीज़ें हैं, मैं आगे इस पर बात करूँगा कभी विस्तृत वीडियो में। पर अगर त्वरित रूप से बता रहा हूँ, किसी को का पिता से नहीं बन रही है, पिता से संबंधित कोई समस्या है, आत्मविश्वास जगमगा रहा है या हड्डियों से समस्या है बहुत दिनों से, तो उनको ये समझना चाहिए कि उनके सूर्य देवता जो कुंडली में बैठे उसमें कहीं ना कहीं कोई समस्या है। या तो सूर्य नीचे हो सकते हैं, सूर्य अस्त तो नहीं हो सकते क्योंकि सूर्य हमेशा दूसरों को अस्त करते हैं, सूर्य नीच के हो सकते हैं, सूर्य शत्रु के घर में बैठ सकते हैं, सूर्य के ऊपर पूर्व ग्रहों की ज़्यादा दृष्टि हो गई, और बहुत सारे रीज़न हैं। तो अगर ऐसा कुछ है तो आप लोगों को मैं एक जनरल रेमेडी बता रहा हूँ, ऐसी कंडीशन में व्यक्ति को सूर्य को जल देने का कार्य करते रहना चाहिए। इससे कोई नुकसान नहीं, आपके पास कुंडली हो या ना हो, लेकिन आप सूर्य को जल दे सकते हैं, इससे सूर्य आपका अच्छा। चलिए दोस्तों, यहाँ तक सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। आप सभी का नमस्कार, जय श्री राधे।